नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के गंगेयोर जनपद मुख्यालय में जन अधिकार पंचायती राज संगठन के संयोजक विकास तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में जनपद सदस्य, सरपंच और पंचों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार की विकास यात्रा निकाली गई थी। पंचायती राज संगठन के पदाधिकारियों को मनाने के लिए रीवा अपर कलेक्टर को मौके पर आना पड़ा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों का ज्ञापन लिया, लेकिन जनप्रतिनिधि अपनी मांगों पर अड़े रहे और काला झंडा दिखाते हुए रैली निकाली। इस दौरान विकास तिवारी सहित अन्य लोगों ने कहा कि यह सरकार की विकास यात्रा नहीं, विनाश यात्रा है। अकेले मनगवा क्षेत्र में 200 से ज्यादा ट्रांसफार्मर जले हुए हैं और 1000 मीटर से ज्यादा केबल की जरूरत है। इसके लिए लगातार धरना प्रदर्शन, ज्ञापन और अन्य तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। हमें मुख्यमंत्री की विनाश यात्रा की कोई जरूरत नहीं है। पहले जमीनी स्तर पर विकास करें, फिर उसके बाद यात्रा निकालें। उन्होंने कहा कि यहाँ के विधायक 30% कमीशन लेते हैं, उसके बाद फिर पैसा देते हैं। उन्होंने कहा कि जिन सरपंचों ने उन्हें 30,000 रुपए दे दिए हैं, उनको विधायक द्वारा पैसे दिए गए हैं और जिन सरपंचों द्वारा कमीशन नहीं दिया गया है, उनको आज तक पैसे नहीं मिले हैं। ऐसे में यह भ्रष्टाचारी सरकार कैसे चल पाएगी? हम तुम्हारे साथ हैं। आ जाओ इधर, आ जाओ और लड़ाई है। सब लोग ऐसे आ जाए, सबकी फोटो आ जाए, सब लोग झंडा उठा लो, इधर आ, इधर आ जाइए सब झंडा। हम लोग विकास यात्रा का विरोध नहीं कर रहे। हमारे क्षेत्र में जो मूलभूत समस्याएं हैं, हमारे क्षेत्र में 200 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं अकेले मनगवा विधानसभा में। किसान हाहाकार मचा के रखा हुआ है। 10,000 मीटर केबल की आवश्यकता है। जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, पंच और सरपंच अपने अधिकारों का उपयोग प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव के कारण नहीं कर पा रहे। अभी सरकार ने 4,250 रुपये सरपंचों की तनख्वाह बढ़ाई और विधायकों की तनख्वाह 1,50,000 रुपया हो गई। उसके बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। SDM, तहसीलदार यहां सब फर्जी बातें करते हैं, फौजी फर्जी आश्वासन देते हैं। कोई जाओ, कोई बात करो, हाँ हो जाएगा, आश्वासन में सरकार चल रही है। यहां के विधायक कमीशन लेके पैसा बांटते हैं। हमारे सरपंचों को 150 चिट्ठियां सरपंचों के लिए लिखा, 150 चिट्ठियां। फिर जिन लोगों ने 30,000 रुपए दे दिया उनको पैसा दे दिया, जिन लोगों ने 30,000 रुपए नहीं दिया उनको पैसा नहीं दिया। इस तरह का विकास हमारे क्षेत्र में नहीं होगा। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, अपने जन अधिकार पंचायत राज संगठन के माध्यम से हमको किसी दल ने नहीं चुना है। कोई गिलास से चुना गया है, कोई हंसिया किसी का चुनाव चिन्ह है, किसी का सितारा है, किसी का गिलास है, किसी की कटोरी है, किसी का चम्मच है। हम इन चुनावों से जीत के आए हैं, अपने सिंबल से। हम अपनी ताकत से सरपंच बने हैं, हम अपनी ताकत से पंच बने हैं, हम अपनी ताकत से जनपद सदस्य बने हैं। जनता की ताकत और जनता के विश्वास ने हमको बनाया है। उस विश्वास को विरोध करना पड़े, फांसी में झूलना पड़े या मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जाएं या हम सबको जेल में ठूसा जाए, तब भी इसका विरोध करेंगे और करते रहेंगे और अपनी आवाज को दबाने का, हमारी जनप्रतिनिधियों की आवाज को दबाने का प्रयास करेगा कोई भी, तो इसका उग्र रूप होगा, उग्र रूप देखने को मिलेगा। पूरे आज पूरे मध्य प्रदेश में पंचायत राज के प्रतिनिधि ये इसका विरोध कर रहे हैं और सारे जनपदों में इसका विरोध शुरू हो गया है। सारे पंचायत में जहां से इनकी विनाश यात्रा निकलनी है, उस विनाश यात्रा का विरोध हम सब पूरी ताकत के साथ करेंगे।